हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन ऑफ 5 लीटर ऑफ इथाइलीन विद 5 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस एट 1.5 एटमॉस्फेयर प्रेशर इज डेल्टा एच इज इक्वल्स टू -0.5 किलो जूल. द वैल्यू ऑफ डेल्टा यू विल बी एंड 1 एटमॉस्फेयर लीटर इज इक्वल्स टू 100 जूल इज गिवन एंड दीज आर द फॉलोइंग ऑप्शन. सो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. एंड जो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है डैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. जो हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का इक्वेशन आता है और वी कैन से मैथमेटिकल इक्वेशन आता है डैट इज द बेस ऑफ दिस क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स. अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो एनर्जी है डैट रिमेन्स कंजर्व डैट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड. पर एनर्जी को हम वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. फॉर डैट जो हमारे पास मैथमेटिकल इक्वेशन आता है इट इज दैट चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू द हीट प्लस वर्क डन. एंड जो हमारे पास वर्क डन होता है थर्मोडायनेमिकली दैट इज इक्वल टू द डेल्टा पीवी. इट इज नेगेटिव ऑफ डेल्टा पीवी. सो हमारे पास डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस माइनस ऑफ डेल्टा पीवी हो जाएगा. हियर इट इज दिस. तो ये प्लस माइनस का जो हमारे पास होगा इट विल गेट माइनस का साइन. क्यू माइनस डेल्टा पीवी रह जाएगा हमारे पास. एंड नाउ वी विल टेक द प्रेशर कांस्टेंट. कांस्टेंट प्रेशर लेंगे. सो डेल्टा यू विल बी इक्वल्स टू द हीट एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस पी कांस्टेंट है. So there will be change in volume. So by this we can see जो हमारे पास QP होता है और we can say heat at constant pressure is equals to the change in enthalpy. So here we will write the same change in enthalpy minus P delta V. So this is the equation for the relationship between the internal energy, change in enthalpy, pressure and change in volume. And according to the given question इथाइलिन गैस में हाइड्रोजन ऐड करवाया गया है. द फॉर्मूला केमिकल फॉर्मूला फॉर द इथाइलिन इज C2H2 एंड हाइड्रोजन गैस इज एडेड. सो ये हमारे पास फॉर्म करेगा C2H4 विच इज द इथेन. एंड फॉर दिस इट इज गिवन कि जो हमारे पास 5 लीटर ऑफ इथाइलिन है वो रिएक्ट करता है 5 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस के साथ. एंड प्रेशर इज गिवन एज 1.5 एटमॉस्फेयर. एंड डेल्टा एच के लिए वैल्यू इज गिवन एज -0.5 किलो जूल. नाउ अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन वी कैन सी द रेशियो ऑफ द रिएक्टेंट इज 1:1 एंड जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है That is also 1. So, from this we can say, अगर हमारे पास 5 लीटर ऑफ C2H2 कंबाइन किया है 5 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस से देन इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ 5 लीटर ऑफ C2H4. नाउ वी विल चेक द चेंज इन वॉल्यूम. सो डेल्टा वी का वैल्यू जो हमारे पास आएगा जो हमारे पास फाइनल वॉल्यूम है डेट इज 5 लीटर. माइनस करेंगे जो हमारे पास इनिशियल था. इनिशियल में वी हैड 5 प्लस 5. सो दिस इज ऑल्सो इन लीटर. सो 5 माइनस 10 इज इक्वल्स टू क्या जाएगा -5 लीटर. सो डेल्टा वी का वैल्यू इज -5 लीटर. हियर वी हैव वैल्यू फॉर द प्रेशर वन वैल्यू फॉर द चेंज इन एंथैल्पी एंड वी हैव टू फाइंड द इंटरनल एनर्जी ऑफ दिस. सो नाउ वी कैन यूज ऑल दिस वैल्यूज. So change in internal energy will be equal to the change in enthalpy that is given as negative of 0.5 kilojoule. And then it is minus P delta V. Pressure ka value is 1.5 atmosphere multiplied to the change in volume and that is -5 liter. So now we will solve this 0.5 kilojoule minus negative of 5 multiplied to the 1.5 atmosphere liter. So
एटमोस्फेयर लीटर को हम चेंज करेंगे किलो जूल में, एंड एज पर दिस वी कैन सी 1 एटमोस्फेयर लीटर इज इक्वल टू 100 जूल. सो अगर हमारे पास 1 एटमोस्फेयर लीटर इज इक्वल टू द 100 जूल है, देन हमारे पास दिस मच विल बी मल्टीप्लाई टू द 100 माइनस 0.5 किलो जूल. ये माइनस और माइनस का साइन मिलकर प्लस हो जाएगा, एंड 1.5 मल्टीप्लाई टू द 5 विल बी 7, इट विल बी 0.75, इट विल बी 7.5 आएगा हमारे पास ये. एंड एटमोस्फेयर लीटर को जूल में कन्वर्ट करेंगे, सो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, सो ये हमारे पास आया जूल में. वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द किलो जूल, एंड 1 जूल इज इक्वल्स टू द 10^-3 किलो जूल. सो ये हमारे पास आएगा मल्टीप्लाई टू द 10^-3 किलो जूल, एंड वी कैन राइट इट एज डिवाइडेड बाय 1000. सो ये कैंसिल हो जाएगा, एंड किलो जूल एंड किलो जूल है, माइनस का साइन है यहाँ पे, प्लस का है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, एंड साइन जो है हमारे पास दैट विल बी रिमेन फॉर द पॉजिटिव, बिकॉज ये आएगा माइनस का 0.5 प्लस का 0.75, एंड बाय दिस वी विल गेट इट एज 0.25 किलो जूल. एंड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन वी कैन सी जो हमारे पास ऑप्शन सी है दैट इज द करेक्ट रिस्पॉन्स फॉर द सेम 0.25 किलो जूल. लेट अस मार्क द ऑप्शन सी एज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ऑप्शन ए बी एंड डी आर इनकरेक्ट. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.